बाबर आजम वो शेर है जो सारी जिंदगी अपने हेटर्स को अपने बल्ले से ग्राउंड में लहूलुहान करता रहेगा और उसके हेटर्स लहूलुहान होने के बाद भी सारी उम्र फेक प्रोपोगेंडा करते रहेंगे और सारी जिंदगी इस दुनिया में जलीलो ख्वार होते रहेंगे। बाबर आजम ने रचा इतिहास। बाबर आजम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज तरीन 5000 रन करने वाला बना शेर। टीम पाकिस्तान आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स के अंदर बनी नंबर वन। बाबर आजम ने एक दफा फिर अपने हेटर्स को दिया अपने बल्ले से ताबड़तोड़ जवाब। बाबर आजम के हेटर्स ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि बाबर आजम एक ऐसा शेर है कि जिसको जितना ज्यादा ट्रोल किया जाएगा वो उतना ज्यादा ही और उभर के आएगा और उतने ज्यादा दुनियावी क्रिकेट में रिकॉर्ड्स कायम करेगा। बाबर के हेटर्स जितना मर्जी रो पिट लें, बाबर आजम को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। बाबर आजम ने आज तक वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर टोटल 18 सेंचुरीज बनाई हैं, जिनके अंदर से उनकी 15 सेंचुरीज वर्ल्ड की टॉप 3 टीम्स के खिलाफ हैं और 3 सेंचुरीज नॉर्मल टीम्स के खिलाफ हैं। तो उनके हेटर्स का ये कहना कि बाबर आजम सिर्फ छोटी टीम्स के खिलाफ स्कोर करता है, ये सिर्फ एक ऐसा मंजन है जो दुनिया के किसी भी कोने के अंदर नहीं बिक सकता। किंग बाबर आजम ने जब कल टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दुनियावी क्रिकेट के अपने तेज तरीन 5000 रन मुकम्मल किए और अपनी 18वीं सेंचुरी भी मुकम्मल की, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बाबर आजम के हेटर्स के गालों पे तमाचा बन के बरसा, लेकिन इसके बावजूद भी बाबर आजम के हेटर्स शर्मिंदा ना हो सके। बाबर आजम वो शेर है जो सारी जिंदगी अपने हेटर्स को अपने बल्ले से ग्राउंड में लहूलुहान करता रहेगा और उसके हेटर्स लहूलुहान होने के बाद भी सारी उम्र फेक प्रोपोगेंडा करते रहेंगे और सारी जिंदगी इस दुनिया में जलीलो ख्वार होते रहेंगे। मेरी पर्सनल सोच के मुताबिक किंग बाबर आजम की जो क्लास है उसकी क्लास के मुताबिक फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर वो बॉलिंग मौजूद ही नहीं है। अगर आप क्रिकेटिंग वे के हिसाब से इस बात को सोचेंगे तो मेरी इस बात से जरूर मुत्तफिक होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।